subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। इसमें हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है डिफरेंट डिग्रीज के, उनके रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले MGT मैनेजमेंट 619 का जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 619 के प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, बैंकिंग 619 के प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, कॉमर्स COM 619 के प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, इको 619 का जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे, फाइनेंस 619 के फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM 619, इसी तरह MCM 619, MKT 619 और जो उसके अलावा पैड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 619 और साइकोलॉजी 619, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, इनके हम पैटर्न को और क्या किस तरह से ये प्रोजेक्ट फाइनल ईयर का बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है प्रोजेक्ट्स के हवाले से, रूल्स एंड रेगुलेशन यूनिवर्सिटी के कौन कौन से हैं, सबमिशन का क्या क्राइटेरिया होता है, इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस कौन कौन सी होती हैं। एट द एंड हम इस प्रोजेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हम इसका प्रपोजल सबमिट करते हैं, नेक्स्ट हम उसके बाद इसके फाइनल प्रोजेक्ट की जो फाइल होती है उसको सबमिट करते हैं। इनकी मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो नेक्स्ट हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया कि इस तरह से ये हमारी डिग्री का जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, इसमें हमने अपनी डिग्री के रिलेटेड ऑल जो लेटर्स हैं उसके हवाले से हमने अपनी वर्किंग को शो करना होता है। इसकी जो हमारे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट है उसमें हमारे पास ये है कि हमारे जॉब कन्फर्मेशन लेटर हमारे पास होना चाहिए। प्रोजेक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले इस चीज़ की अश्योरेंस होनी चाहिए कि हम एक जॉब होल्डर हैं, हमें यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स में अपने आप को एक जॉब होल्डर शो करना होता है। उसके लिए हमारे पास एक जॉब कन्फर्मेशन लेटर होना चाहिए। इसका हमारे पास फॉर्मेट अवेलेबल है, किसी स्टूडेंट को चाहिए हो तो हमारे से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके जॉब कन्फर्मेशन लेटर का फॉर्मेट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसमें हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसको क्लियर करने के लिए, कौन कौन से हमने वर्किंग करनी होती है। उसमें हमारे पास सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जॉब कन्फर्मेशन लेटर हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद हमने एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, उस पर हमने प्रपोजल बनाना होता है, इसको मज़ीद हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फाइनल प्रोजेक्ट जो होता है हम उसकी फाइल को सबमिट करते हैं। नेक्स्ट हम जब प्रोजेक्ट फाइल हमारी पास हो जाती है तो उसके बाद टीचर हमें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहते हैं, हम प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाते हैं और उसकी वाइवा वॉइस के रिलेटेड हम प्रेपरेशन करते हैं और अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट को उसमें एक्सप्लेन करते हैं। ये सारे मैंने आपको मेन मेन पार्ट्स बता दिए हैं, मज़ीद अब हम इनको इन डिटेल नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी ओवरऑल समरी बताई गई है किस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले जॉब कन्फर्मेशन लेटर होता है, फिर उसके बाद प्रपोजल हमने बनाना होता है, नेक्स्ट हमने फाइनल प्रोजेक्ट बनाना होता है, फिर प्रेजेंटेशन एंड वाइवा वॉइस होती है, नेक्स्ट होल कोर्स जो हमारा होता है इसकी सारी कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद ये पासिंग वाली साइड पर जाता है, फिर टीचर्स डिसाइड करते हैं इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करने के बाद कि स्टूडेंट पास है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ रूल्स बताए गए हैं जॉब कन्फर्मेशन लेटर के हवाले से, कि जो आपका जॉब कन्फर्मेशन लेटर है वो ऑन द जॉब होना चाहिए, करंट डेट्स में आप एक एम्प्लॉय होने चाहिए किसी भी कंपनी के। उसके अलावा बाकी मज़ीद इसकी डिटेल आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद आपने प्रपोजल और फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करवाना होता है, उसमें आपने रेफरेंसेस एट्सेट्रा जो भी कहीं से आपने डाटा लेना होता है उसको आपने मेंशन करना होता है। नेक्स्ट जो आपका टोटल वर्क है वो प्लेजरिज्म और नॉन रेफर्ड रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए, कि आपका प्लेजरिज्म पे वो किसी किस्म का भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, प्लेजरिज्म के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। नेक्स्ट आपके पास पासिंग एंड फेलिंग का क्राइटेरिया होता है, ये कम्प्लीट आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके हवाले से भी यही है कि आपकी सारी चीज़ें JCL ठीक है, प्रपोजल ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड वाइवा सब कुछ आपने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा उसको पास करने में। नेक्स्ट ये यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वाइवा वॉइस के रिलेटेड दिए हुए, ये भी सिंपल है, इनमें कोई इशू नहीं है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स नहीं होती। अगर कोई स्टूडेंट पहले से फेल है तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में इसको दोबारा से री एनरोल करके इस सेमेस्टर को दोबारा से स्टडी कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। उसके अलावा नेक्स्ट जो सबमिशंस होती हैं वही सेम चीज़ें हैं, जॉब कन्फर्मेशन लेटर होता है, उसके बाद प्रपोजल ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपने प्रपोजल सबमिट करवाना होता है, फिर प्रेजेंटेशन एंड वाइवा गाइडलाइंस के हवाले से वर्किंग होती है।
उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि जो हमारा प्रपोजल होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरह से प्रपोजल बनाया जाता है, उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सारी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, इनको आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। मैं जो हमारा मेजर पोर्शन है उसकी तरफ आता हूँ कि हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास हमने प्रोजेक्ट का प्रपोजल सबमिट करना होता है, फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल ऑफ प्रोजेक्ट, उसमें हम किस तरह से प्रपोजल बनाते हैं। सबसे पहले हमने टाइटल पेज इस तरह से बनाना होता है एक, उसके अंदर द टॉपिक जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया होता है उसको शो करना होता है, नेम एंड आईडी ऑफ द स्टूडेंट शो करनी होती है, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लोगो, डेट ऑफ सबमिशन। एट द एंड मैं आपको किसी स्टूडेंट का प्रपोजल भी दिखा दूंगा और प्रोजेक्ट भी कंप्लीट बना हुआ दिखा दूंगा किसी स्टूडेंट का। नेक्स्ट आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए प्रॉपर, ये एक एक पेज पे आपने ये सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर नंबर 1 होगा प्रपोजल का, उसमें आपने इंट्रोडक्शन देना है जी प्रपोजल का, प्रपोजल का इंट्रोडक्शन क्या है। नेक्स्ट आपने उसके बारे में बैकग्राउंड का लिखना है कि उस टॉपिक पे पहले से क्या वर्किंग हुई है, किस तरह के लोगों ने कैसे कैसे काम किया है। नेक्स्ट आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया वो उसके आपने ऑब्जेक्टिव के बारे में एक्सप्लेन करना है कि उस टॉपिक के क्या ऑब्जेक्टिव हैं उस रिसर्च वर्क के जो आप करने लगे हैं। नेक्स्ट उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 2 मेथोडोलॉजी के रिलेटेड आ जाता है, मेथोडोलॉजी में आपकी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपके पास टाइप ऑफ रिसर्च होता है कि आपकी जो रिसर्च टाइप है वो कौन सी है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, कि आपने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है वो कौन सी है। डाटा कलेक्शन सोर्स जो है वो आपका कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी में कौन कौन से है, सेकेंडरी में कौन कौन से हैं, जो ये जो आपने खुद चूज़ करने होते हैं रिसर्च आउट करके। उसके बाद डाटा कलेक्शन टूल्स जो हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड, उसमें अब आपने बताना होता है कि आप किस तरह से अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। उसमें क्वेश्चनर्स आ जाते हैं, इंटरव्यूज आ जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें इस तरह की आ जाती हैं, इनमें से कोई आपने एक सेलेक्ट करके अपना डाटा कलेक्शन करनी होती है। उसके बाद सब्जेक्ट्स एंड पार्टिसिपेंट आपने सेलेक्ट करने होते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन होगी, कितनी होगी, उसका सैम्पल साइज़ क्या होगा, सैम्पल फ्रेमवर्क क्या होगा, और वो जो सैम्पलिंग टेक्निक आपने कौन सी यूज़ की और उसकी क्या रीज़न है। उसके बाद फील्ड वर्क और डाटा कलेक्शन के बारे में आपने बताना है कि वो आप किस तरह से डाटा कलेक्ट करेंगे, आप कैसे श्योर करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल होगी डाटा कलेक्शन में, और वो सारा प्रोसीजर्स, प्रैक्टिकल इश्यूज वगैरह को आप किस तरह से मैनेज करेंगे वो सारा आपने यहाँ पे बताना होता है। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस के बारे में आपने बताना होता है कि डाटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस आप किस तरह से करेंगे, MS Excel में करेंगे, SPSS में करेंगे, और आपके जो फाइनल रिजल्ट्स वगैरह होंगे। नेक्स्ट आपने रेफरेंसेस बताने होते हैं कि आपने ऊपर जो लिटरेचर रिव्यू वगैरह अगर आपने किया है तो उसको आपने अपनी सेल्फ राइटिंग में करने के लिए वो जो डाटा था वो कहाँ से किन रिसर्चर्स का आपने यूज़ किया था, उनके आपने यहाँ पे लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करने होते हैं। लिंक्स जो हैं वो आपके APA फॉर्मेट में होने चाहिए, तो उसका आपने STA 630 जो सब्जेक्ट है आपका उसके लेसन नंबर 45 के अंदर बताया गया, वहाँ से देख सकते हैं कि APA फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ तक जो आपका कंप्लीट वर्किंग थी वो आपकी प्रोजेक्ट के प्रपोजल की थी, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फॉर्मेट ऑफ द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका क्या होगा, उसका प्रपोजल, उसका जो फॉर्मेट है, इस तरह से आपने एक प्रॉपर अपना फाइनल टाइटल पेज बनाना है, प्रोजेक्ट का टॉपिक यहाँ पे लिखना है, उसकी ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है किस तरह से आपने बताना है, ये आपने कंप्लीट इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट आपने सबमिशन, स्टूडेंट ID, फाउंड साइज, ये सारी चीज़ें, ये डिटेल्स देनी है। ये आपका टाइटल पेज बन जाता है, यहाँ पे आपने डेडिकेशन देनी है, ऑप्शन है, आप चाहे इसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट आपने एक्नॉलेजमेंट बताना है, उसको आप अपनी सेल्फ राइटिंग में लिख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आपने प्रोजेक्ट की समरी लिखनी है यहाँ पे कंप्लीट, उसको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट ये टेबल ऑफ कंटेंट की स्पेसिंग वगैरह के हवाले से यहाँ पे डिटेल बताई हुई है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 आपका है इंट्रोडक्शन के हवाले से है, बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आपकी क्या है, ये मेजर पोर्शन आपका ऑलमोस्ट प्रपोजल वाला ही आ जाता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने इसमें एक्सप्लेन करनी होती है, सिग्निफिकेंस आ जाती है। चैप्टर नंबर 2 आपका लिटरेचर रिव्यू आ जाता है कि आपका जो टॉपिक है उसको ऑलरेडी कितने लोगों ने किस किस तरह से काम किया, उनके क्या रिजल्ट थे, उन सारी चीज़ों को आपने वन बाई वन एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी आ जाती है, डाटा कलेक्शन आपका सोर्स क्या है, डाटा कलेक्शन टूल्स आपने कौन से यूज़ किए हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है। सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, सैम्पल साइज क्या है, टेक्निक कौन सी यूज़ की है, ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होती है। सेम आपने एनालिसिस करने के लिए आपने SPSS एक्सेल में किस तरह से एनालिसिस किया या स्टेटा को यूज़ किया, वो सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करके उनको वन बाई वन यहाँ पे बताना होता है। डाटा एनालिसिस होता है, ऊपर से आपने अपना सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करने के बाद उसमें डाटा एनालिसिस करना होता है, समरी आपने लिखनी होती है डाटा एनालिसिस की, प्रॉपर एक एक चीज़ का आपने बताना होता है,
कितने आपके रिजल्ट्स थे एटसेट्रा, टेबल्स वगैरह आपने ड्रॉ करने हैं, ग्राफ ड्रॉ करने थे। चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपने कंक्लूजन रिकमेंडेशन बतानी होती है, इसमें कंक्लूजन आ जाती हैं, रिकमेंडेशन आ जाती हैं, लिमिटेशन आ जाती हैं, ईच एंड एवरीथिंग वन बाई वन आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी होती है। तो यहाँ पे आपके नेक्स्ट सेम रेफरेंसिंग उसी तरह से आ जाते हैं, इसको आपने APA फॉर्मेटिंग में एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पे आपका जो है वो जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसकी फाइल भी कंप्लीट हो जाती है। मज़ीद आपको कुछ हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स वगैरह हैं वो भी शो कर देता हूँ मैं, और साथ ही आपको मैं एक प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल और प्रोजेक्ट की जो फाइनल फाइल है वो भी शो कर देता हूँ। ये हमारे पिछले स्टूडेंट्स के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रपोज़ल को शो कर देता हूँ। ये हमारे एक स्टूडेंट का यहाँ पे प्रपोज़ल है, इस तरह से आपने एक बनाना होता है, टाइटल पेज बनाना होता है, ये आपने सारी चीज़ें वन बाय वन इसके अंदर एक्सप्लेन करनी होती है, तो ये आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रपोज़ल होता है। नेक्स्ट आपको मैं प्रोजेक्ट फाइल भी इसी स्टूडेंट की दिखा देता हूँ, आपने फिर इसकी प्रोजेक्ट फाइल भी बनानी होती है। प्रोजेक्ट फाइल भी आपके सामने अवेलेबल, इस तरह से आपने कंप्लीट इसमें वर्किंग करके ग्राफ्स, टेबल्स, आपको सब कुछ और आपने क्वेश्चनेयर्स वगैरह वो सारी चीज़ें यूज़ करनी होती, वो भी आपने शो करनी होती हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट है सारा खान, जिसका स्पैड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोजेक्ट था और ग्रेड बुक से आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये पास हैं, पी लिखा हुआ है, पी फॉर पास, इसका CGPA नहीं होता, डायरेक्टली पास और फेल लिखते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट है मोहम्मद बिलाल, इनकी हमारे पास इंटर्नशिप रिपोर्ट थी COM I-619 की, इनका भी ग्रेड बुक से आपको रिजल्ट शो कर देते हैं हम। यहाँ पे आपके सामने है COM I-619 इंटर्नशिप रिपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पास हैं, आपके सामने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट है सैयद फुरकान अब्बासी साहब, इनका MGT-619 का प्रोजेक्ट था हमारे पास, ये भी ग्रेड बुक में से आपको शो कर देते हैं। MGT-619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पास हैं, पी फॉर पास है, एफ फॉर फेल है, पहले इन्होंने ये किया था लेकिन ये फेल हुए थे, बाद में इन्होंने हमारे पास किया तो ये पास हो गए। नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट है मोहम्मद आफाक, इनका COM I-619 की इंटर्नशिप रिपोर्ट थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पास हैं, और इनका भी COM I-619, ये एफ इनका है, पिछली दफ़ा इन्होंने कहीं और से बनवाई थी, इस दफ़ा लास्ट में इन्होंने फॉल 2022 में हमसे बनवाई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पास हैं इस दफ़ा वाले अपने रिज़ल्ट में, ये जो अभी सेमेस्टर एंड हुआ है फॉल 2022। उसके बाद नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट है मोहम्मद कासिम रियाज साहब, इनका भी हमारे पास MGT-619 का फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था, इनका भी ग्रेड बुक से आपको रिज़ल्ट शो कर देते हैं जो कि आपके सामने है। MGT-619 इससे पहले इन्होंने 2-3 ट्राई की थी लेकिन हर दफ़ा ये फेल होते रहे हैं, और इस दफ़ा इन्होंने हमसे ये प्रोजेक्ट अपना करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये पास हो गए, इनकी डिग्री भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मज़ीद अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ये स्क्रीन पे भी हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे जो स्टूडेंट हैं वो है मोहम्मद आदिल अशरफ साहब, इनके HRMI-619 की इंटर्नशिप रिपोर्ट थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पास हो चुके हैं, इनका भी ग्रेड बुक से आपको रिज़ल्ट शो कर देते हैं। जी ये देखें HRMI-619 इंटर्नशिप रिपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पास।
नेक्स्ट हम आपको अपने कुछ स्टूडेंट्स के इंटर्नशिप रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट्स वगैरह करवा देते हैं, जिन्होंने अभी ये प्रीवियस सेमेस्टर एंड हुआ उसमें हमसे अपनी वर्किंग वगैरह करवाई थी। तो ये हमारे एक स्टूडेंट है यासर हफीज साहब, इनका आपको रिजल्ट शो करवा देते हैं। इनकी हमारे पास HRMI 619 की इंटर्नशिप रिपोर्ट थी, तो ये देखें, ये अभी स्प्रिंग 2022 में इन्होंने कम्प्लीट किया और ये यहाँ पर पास भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पास और फेल का जस्ट होता है इंटर्नशिप रिपोर्ट और प्रोजेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे वो मार्क्स और ग्रेड्स वगैरह शो नहीं करते, वो हिडन होते हैं, वो आपकी ओवरऑल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। तो उस चीज़ का इतना इशू नहीं होता कि वो यहाँ पे शो करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स में भी किसी भी, ये यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी है। खैर, अब आपको इनके LMS से डिटेल्स दिखा देते हैं, इनकी रिपोर्ट की क्या वर्किंग वगैरह थी इनकी। वहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया उन्होंने मार्क्स शो नहीं किए हुए, तो यहाँ पे भी जब हम असाइनमेंट वाले पोर्शन में जाएंगे तो टीचर्स यहाँ पे भी मार्क्स शो नहीं करते, वो वहाँ पे 0-0 ही पुट करते हैं। तो हमें जब पता चलता है अपनी वर्किंग वगैरह का, तो वो हम यहाँ से अपने रीड कमेंट्स में जाके देखते हैं। सबसे पहली जो इन्होंने सबमिशन की थी अपनी रिपोर्ट की, तो हमने इसको सबमिट किया, तो उन्होंने नीड्स इंप्रूवमेंट कह दिया था, तो फिर उसके बाद हमने इसको मज़ीद इम्प्रूव किया था। और नेक्स्ट जब हमने इसको लास्ट पे सबमिट किया था, ये लास्ट चांस पे रीड कमेंट में हम चल के देखते हैं, तो यहाँ पे ये पास हो गई थी, एक्सेप्टेड नीड्स इम्प्रूवमेंट स्टिल। उसके बाद फाइनल में ये पास हो गई थी। उसके बाद सबमिशन ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड्स, ओवरऑल रिजल्ट आपने शो कर लिया, ये LMS यहाँ पे अपलोड होने वाला है। तो ग्रेड बुक में से मैंने आपको दिखा दिया है कि इनकी रिपोर्ट हमारे पास कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट हमारे एक और स्टूडेंट हैं आमिर सज्जाद साहब, इनका भी आपको MGT 619 फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था हमारे पास, इसका भी हम आपको ग्रेड बुक में दिखा देते हैं। अभी जो सेमेस्टर एंड हुआ है इसमें इन्होंने भी कंप्लीट किया है और इनका भी अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गया, पास हो गया। ये स्प्रिंग 22 MGT 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और ये यहाँ पे पी लिखा हुआ है आपके सामने, क्लियर है, इनका भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। बाकी इनकी वर्किंग वगैरह भी मैं आपको मज़ीद डिटेल में दिखा देता हूँ यहाँ पर असाइनमेंट्स में, और इसके बाकी सारे पोर्शन ईच एंड एवरीथिंग मैंने प्रीवियस जो प्रेजेंटेशन आपको दी है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है आपके सामने, सब कुछ आई थिंक क्लियर होगा। इसमें ये देखें, सबसे पहले सबमिशन ऑफ जॉब कन्फर्मेशन लेटर करना होता है, प्रपोजल प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, हमने रिवाइज प्रपोजल प्रोजेक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे भी आपको 0-0 ही शो हो रहा होगा मार्क्स में, लेकिन जो हमारे पास पता हमें चलता है हमारी वर्किंग का, वो हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कमेंट से पता चलता है कि वो उसका क्या स्टेटस है। फाइनल हमने ये अपनी सबमिशन वगैरह यहाँ पे ये अपडेट होने वाले हैं, प्रीवियस का भी अपडेट नहीं हुआ, इनका भी नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट में आपने ग्रेड बुक में जाके देख लिया है कि इनके जो प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट्स हैं वो दोनों कंप्लीट हैं, उसमें किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। ओके, ये नेक्स्ट हमारी एक स्टूडेंट हैं दुआ हमायू, इनका भी आपको रिजल्ट दिखा देते हैं। इनका हमारे पास इनकी इंटर्नशिप रिपोर्ट चल रही थी MGTI 619 की, जस्ट इनका देखिए, मोस्टली अब आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं उनकी जस्ट इंटर्नशिप रिपोर्ट या प्रोजेक्ट ही रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में खुद ट्राई करते हैं और उनसे वो क्लियर नहीं होता, तो फिर एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी लगाते हैं, फीस भी पे करते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी फिर होती हैं, फिर उनको पेड पे भी करवाना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम पे आप पेड पे करवा लिया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसमें यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इनका अब आपको रिजल्ट दिखा देते हैं ग्रेड बुक में से, ये आपके सामने है इनका रिजल्ट, ये देखें MGTI 619 इंटर्नशिप रिपोर्ट, ये इनकी पास है। यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट है फरूख इम्तियाज, इनका हमारे पास प्रोजेक्ट था फाइनल ईयर का HRM 619 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इनका भी आपको ग्रेड बुक में से रिजल्ट दिखा देते हैं। ये देखें स्प्रिंग 2022, अभी जो लेटेस्ट सेमेस्टर एंड हुआ है, HRM 619 फाइनल प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पास। नेक्स्ट हमारे एक स्टूडेंट हैं महबूब वसीम साहब, इनका भी हमारे पास प्रोजेक्ट था MGT 619 सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनका MBA था और इसमें भी इनका भी आपको रिजल्ट ग्रेड बुक में से दिखा देते हैं, अभी भी इनका भी क्लियर हो गया है। ये देखें स्प्रिंग 2022 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और पास। हमारे एक स्टूडेंट हैं सरमत अली खान, इनकी भी हमारे पास इंटर्नशिप रिपोर्ट थी MGTI 619 MBA की सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिलेटेड, इसका भी आपको रिजल्ट दिखाते हैं ग्रेड बुक में से, अभी इनका भी लेटेस्ट रिजल्ट आया है। स्प्रिंग 2022 MGTI 619 और इंटर्नशिप रिपोर्ट मैनेजमेंट,
ये देखें इनका सब्जेक्ट भी पास हो गया हुआ है, लास्ट टाइम इन्होंने खुद किया था आपके सामने एफ लिखा हुआ, वो इनका फेल हो गया था MGTI 619। इस दफ़ा इन्होंने वर्किंग अपनी हमसे करवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह से इनकी रिपोर्ट पास हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास एक ये स्टूडेंट है शानजा शहजाद, इनका हमारे पास प्रोजेक्ट था ECO 620 का, इनका भी आपको ग्रेड बुक में से रिजल्ट दिखा देते हैं। ये शानजा शहजाद का रिजल्ट आपके सामने अवेलेबल है, यहाँ से आप देख लें कि ये देखें ECO 620 का प्रोजेक्ट था स्प्रिंग 2020, अभी ये जो सेमेस्टर एंड हुआ है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स, ये पी पास आपके सामने है। नेक्स्ट हमारे एक स्टूडेंट है मोहम्मद हसन दाऊद साहब, इनकी भी हमारे पास MGTI 619 की सप्लाई चेन मैनेजमेंट की इंटर्नशिप रिपोर्ट थी, इन्होंने भी अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली थी और इनका जस्ट ये इंटर्नशिप रिपोर्ट की वजह से इनकी डिग्री रुकी हुई थी, तो लास्ट टाइम इन्होंने खुद ट्राई की थी लेकिन ये फेल हो गए थे। इस दफ़ा इन्होंने हमारे पास से अपनी वर्किंग करवाई थी, इसका भी ग्रेड बुक से मैं अभी आपको रिजल्ट चेक करवा देता हूँ। ये मोहम्मद हसन दाऊद साहब हैं, इनकी डिग्री अब कंप्लीट हो चुकी हुई है और ये इनका आप देखें MGTI 619, लास्ट टाइम इन्होंने खुद ट्राई की थी, उससे पहले फिर इन्होंने एक दफ़ा खुद ट्राई की थी, दो दफ़ा उन्होंने खुद ट्राई की थी, उनसे उनका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था वो क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद इस दफ़ा हमने उनको इंटर्नशिप रिपोर्ट करवा कर उनका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करवा दिया और ये पास हो चुके हैं। ये नेक्स्ट हमारे एक स्टूडेंट थे वलीउल्लाह और इनकी डिग्री थी BS कॉमर्स की और इनकी भी हमारे पास इंटर्नशिप रिपोर्ट थी और इनकी रिपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह से पास हो गई है, इनका भी मैं रिज़ल्ट आपको ग्रेड बुक से दिखा देता हूँ। ये देखें स्प्रिंग 2022 COM I 619 इंटर्नशिप रिपोर्ट कॉमर्स की और ये PE पास आपके सामने है।